हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल प्रमोद टेक्निकल खेती। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि इस खेत में काफ़ी ज़्यादा पीली व लाल पत्तियाँ गन्ने की हो रही हैं। ये हमारी वैरायटी 0118 है। ऐसा ही कुछ हाल गन्ना वैरायटी 15023 का भी है। दोस्तों, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कोई ख़ास रोग नहीं है। ये आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, बस आपको थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप किसी के बहकाई में ना आएं, किसी दुकानदार के पास जाके अगर उसको ये समस्या बताएंगे तो आपको तरह तरह के टॉनिक दे देगा, कोई फंगस के देगा तो कोई जिंक देगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे आप से पैसे बना लेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पहले अपने खेत पे पहुंचना है। अगर आपके खेत में समस्या है तो ये जो पत्तियां आपको पीली व लाल कलर की दिखाई दे रही हैं, दोस्तों इसकी बैक साइड से आपको नाखून से खुरच के देखना है। अगर उस पे हल्का हल्का मकड़ी का सा जाला दिखाई दे तो दोस्तों सोच लेना ये मकड़ी का अटैक आपके खेत में हो गया है। दोस्तों, ये जो मकड़ी होती है आपको अपनी नंगी आँखों से दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये बहुत छोटी होती है। दोस्तों, ये मकड़ी प्राय हमारी सब्जियों में पाई जाती है, जैसे टमाटर हुआ, बैंगन, मिर्च, भिंडी, इन सब्जियों में ये मकड़ी अधिकांश होती है दोस्तों। लेकिन ये मकड़ी इन दोनों प्रजातियों में भी अपना अटैक करने लगी है। दोस्तों, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छी दुकान पे जाएं, लगभग ये सभी दुकानों पे दवा मिल जाती है। दोस्तों, किसी भी अच्छी कंपनी की मकड़ी नाशक दवा लेके आएं और उसका स्प्रे कर दें। दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप देखोगे, लगभग 8-7 रोज में ये पत्तियाँ फिर से हरी भरी दिखाई देने लगेंगी और पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जब ये पत्तियाँ पीली व लाल हो जाती हैं तो दोस्तों पौधे को पर्याप्त मात्रा में ये पत्तियाँ भोजन बना के नहीं दे पाती क्योंकि इन पत्तियों का सारा रस ये मकड़ी चूस लेती हैं। दोस्तों, ये बहुत सारी संख्या में होती हैं मकड़ी, बहुत छोटी छोटी होती हैं। अगर आप देखोगे तो शायद ही कोई मकड़ी आपको दिखाई दे पाए, अन्यथा ये नंगी आँखों से दिखाई नहीं देती। दोस्तों, पर एक चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। दोस्तों, तब भी आप स्प्रे करो तो उस हिसाब से करना। स्प्रे करने के लगभग 5-6 घंटे तक बरसात न होने पाए। दोस्तों, उस मकड़ी नाशक दवा में आप एक चिपको भी मिला सकते हो जिससे कि वो दवा पत्तियों पे आसानी से चिपक जाए। दोस्तों, ये दवा बहुत ही फास्ट काम करती है। जैसे ही आप स्प्रे करोगे, लगभग 4-5 घंटे में ही ये अपना असर दिखाने लगती है और मकड़ियों को मार देती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके साथ आप एनपीके वगैरह कुछ भी मिला सकते हैं, इसमें कुछ भी मिला सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है, जब भी आप दवा लेके आएं तो कोई कीटनाशक नहीं लाएं, किसी दुकानदार के बहकाई में नहीं आएं क्योंकि दोस्तों ये मकड़ी किसी कीटनाशक से कंट्रोल नहीं होती। इसके लिए अलग से दवा आती है, जो मकड़ी नाशक होती है उस पर लिखा होता है एक्रीसाइड। आप भली भांति देख कर ही दवा लाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जिस भी किसान भाई के पास 15023 या 0118 की वैरायटी हो और उसके गन्ने में यह समस्या हो तो दोस्तों इस वीडियो को उस किसान भाई तक ज़रूर पहुँचाना। दोस्तों, ये समस्या हमारे खेत में भी देखने को मिली थी और हम पिछली 4-5 साल से
मकड़ी नाशक का स्प्रे करते हैं और दोस्तों ये मकड़ियाँ पूरी प्रकार से समाप्त हो जाती हैं और गन्ना बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ करने लगता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। मैं आपसे मिलता हूं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।